मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी द्वारा अभी अभी एक नया अपडेट जारी हो चुका है 2018-21 और 2019-22 पार्ट वन और पार्ट टू का। जिन छात्रों का परीक्षा बीत चुका है उन छात्रों के लिए रिजल्ट को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर का गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है magadhuniversity.ac.in, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे लिखकर सर्च करोगे आप अपने मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी द्वारा रिजल्ट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये एक नई सूचना निर्धारित की गई है सभी छात्रों के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आप लोगों का जो है एडमिशन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यह खबर दे देता हूं कि मगध विश्वविद्यालय के अंडर में सभी कॉलेज में एडमिशन लिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग अगर पार्ट टू में, जैसे कि 2019-22 पार्ट वन के जो स्टूडेंट्स परीक्षा दिए हैं वो जाकर पार्ट टू में एडमिशन ले सकते हैं अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज में, और जो पार्ट टू का परीक्षा दिए हैं वो पार्ट थ्री में एडमिशन जाकर ले सकते हैं। मैं बात करता हूँ सेशन 2018-21 पार्ट थ्री में, आप लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं अपने महाविद्यालय कॉलेज में, ठीक है। और जो 2019-22 पार्ट वन के जो स्टूडेंट्स परीक्षा दिए हैं वो जाकर पार्ट टू में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अपने कॉलेज में, ठीक है। एडमिशन की प्रक्रिया चालू है, लेकिन सवाल यहां पर रिजल्ट को लेकर है। दोस्तों रिजल्ट जो है आप लोगों का जो पार्ट वन और पार्ट टू का परीक्षा बीता हुआ है, रिजल्ट जो है अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया है, तैयारी बंद कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे मतलब विवाद चल रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि इस समय मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद पर, मतलब स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं, नेताएँ भी लगे हुए हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा छापेमारी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा चेक हो रहा है। तो दोस्तों इस सब को लेकर जो है परीक्षा नियंत्रक ने जो है अधिकारियों को अभी आदेश दिया है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है चेक ना किया जाए, ठीक है। रिजल्ट को लेकर अभी कोई भी मतलब चेकिंग जो है बंद कर दिया गया, यानी जो रिजल्ट आप लोगों का जो है चेक हो रहा था, मतलब तैयारी हो रही थी, तैयारी शुरू हो गया था, 10% आप लोगों का रिजल्ट जो है तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 10% आप लोगों का रिजल्ट जो है तैयारी मतलब कंप्लीट हो चुका है, बचा 90% दोस्तों। तो 90% अभी तैयारी बची हुई है, ठीक है। अब 90% रिजल्ट तैयारी खत्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट की तैयारी जो है शुरू थी लेकिन उसे अब बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। पल पल की अपडेट मगध यूनिवर्सिटी द्वारा हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर डाला जाता है, पूरी जानकारी दी जाती है। चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। सब्सक्राइब करोगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दो, कि बेल आइकन वाली घंटी दबाओगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सभी नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको कारण बता दिया, ठीक है, कि रिजल्ट की तैयारी क्यों बंद किया गया है, क्यों आखिर किस लिए बंद किया गया है। तो आपको पहले बता दिया कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर काफी विवाद चल रहे हैं, काफी चर्चाएं चल रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर जो है अभी अधिकारियों द्वारा जो है रिजल्ट चेक करने, यानी तैयारी जो है बंद कर दी गई है। अब 10% तैयारी मतलब आप लोगों का रिजल्ट जो है खत्म हो चुका है, बचा 90%। तो अब देखो दोस्तों, एक दिन में या दो दिन में या तीन दिन में कब रिजल्ट की तैयारी शुरू होती है। जैसे रिजल्ट की तैयारी शुरू होगी मैं आपको मगध यूनिवर्सिटी द्वारा पल पल के अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पार्ट वन और पार्ट टू का, जिन छात्रों का जैसे कि परीक्षा बीत चुका है, ठीक है, और एडमिशन की बात करें तो एडमिशन की प्रक्रिया जो है चालू है। मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर भृगुनाथ सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि आप लोगों का जो है परीक्षा जिन छात्रों का जैसे कि कंप्लीट हो चुका है तो वो छात्र जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2019-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं तो पार्ट टू में जाकर आप लोग एडमिशन ले लीजिए अपने कॉलेज और अपने महाविद्यालय में, ठीक है। और जो पार्ट टू के परीक्षा दिए हैं स्टूडेंट्स 2018-21 के छात्र, वो जाकर पार्ट थ्री में एडमिशन ले सकते हैं अपने कॉलेज और महाविद्यालय में। डॉक्यूमेंट में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आई होप कि डॉक्यूमेंट के बारे में आपको मालूम हो, फिर भी मैं बता देता हूं इस वीडियो में। नोट करिए सभी स्टूडेंट्स, 2018-21 के स्टूडेंट्स नोट करिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पार्ट थ्री में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले
पार्ट वन का अंक पत्र लगेगा आपका, ठीक है, 18-21 पार्ट वन का अंक पत्र लगेगा, ध्यान से सुन लीजिए, पार्ट टू का नहीं, पार्ट वन का अंक पत्र लगेगा, क्योंकि पार्ट टू का अंक पत्र तो अभी आपके पास है ही नहीं, तो कैसे आप लोग लेंगे, पार्ट वन का अंक पत्र लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का पार्ट टू का नामांकन रसीद लगेगा, पार्ट टू का एडमिट कार्ड लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, जीमेल आईडी लगेगा, ये सब आपका लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वहीं पर 2019-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स की, 2019-22 पार्ट वन के जो छात्र हैं पार्ट टू में एडमिशन के लिए, आप लोगों का पार्ट वन का एडमिट कार्ड लगेगा, पार्ट वन का नामांकन रसीद लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और आप लोगों का आधार कार्ड, जीमेल आईडी, फोटो, फोन नंबर, ये सब लगेगा, ठीक है। और पार्ट वन का कोई अंक पत्र नहीं, ठीक है, सिर्फ पार्ट वन के छात्रों का एडमिट कार्ड लगेगा, नामांकन रसीद लगेगा, जीमेल आईडी, फोन नंबर, फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब लगेगा, ठीक। ये सब डॉक्यूमेंट ले जाकर अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक, जाकर एडमिशन आप लोग लीजिए फटाफट। और बात कर लेते हैं रिजल्ट को, तो रिजल्ट की तैयारी अभी बंद कर दी गई है, जैसे रिजल्ट की तैयारी शुरू होगी सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा, पल पल के अपडेट के साथ आपको इसी चैनल पर मौर्य गुरु एकेडमी पर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड, सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो जाए तो सब्सक्राइब करें, कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको इसी तरह सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट खबर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।